गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। लास्ट टाइम इन पार्ट टू में हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, राइट। पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज स्टैंड्स फॉर मोमेंटम एंड एम वी फॉर द मास एंड वेलोसिटी। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। ओके, तो लेट्स सी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
प्लस 80, राइट? कौन सा इक्वेशन था? चैप्टर नंबर 8, v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो दिस u विल गो हियर, v माइनस u अपॉन t दैट इज इक्वल टू 8, राइट? तो ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, v माइनस u अपॉन e, तो दैट इज a. सो f इज इक्वल टू k f a. F is equal to ma. Constant is equal to 1 put करेंगे तो, right? K क्या है? Constant रखा हमने, right? So the unit of force is kg meter per second square or newton, which has the symbol n. Okay? So force का unit क्या आएगा? देखो F is equal to ma के हिसाब से, m मतलब kg and a मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो यूनिट क्या होगा? तो द यूनिट ऑफ, मेरे पास रखा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यूनिट ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन कैपिटल एन. ओके, तो ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला. ये 3 मार्क्स में पूछते हैं तो ये लिख देना. अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कशन करने से पहले हम इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट? सी, जैसे कि सपोज रॉकेट है, आपको आपने जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च होता हुआ देखा होगा आपने टीवी में या कहीं पे भी, राइट? तो ये जब आगे जाने वाला होता है उससे पहले यहाँ नीचे की तरफ बहुत सारा फोर्स को प्रोड्यूस करता है, राइट? ड्यू टू फ्यूअल, जो यहाँ पे फ्यूअल लगाया होता है उसकी वजह से, ताकि जितना फोर्स यहाँ पे वो प्रेशर के साथ, प्रेशर देने से जो वो फोर्स क्रिएट करता है उतने ही फोर्स से वो आगे जाएगा, राइट? तो मतलब ये क्या है, ये जो फोर्स है उसके इक्वल ही फोर्स होता है, ओनली द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. ओके, मतलब फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स का स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट? जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो इक्वल अमाउंट में फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जर्ट होता है, राइट? मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आर, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है वो कैसे अमाउंट में
में होता है इक्वल अमाउंट होता है, राइट। दूसरा एक हम देखते हैं, सपोज ये नाव है, राइट। नाव में से जब आप किनारे पे से जब ऊपर पैर रखते हैं तो आप ऐसा फील करते हैं कि नाव उस तरफ आपको खींच रही है, राइट, और आपका पैर इस तरफ जा रहा है, राइट। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब उसकी अमाउंट मैग्नीट्यूड कैसा होता है इक्वल, बट डायरेक्शन कैसा होता है ऑपोजिट, ओके। तो उसका स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, ओके। मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है बट डायरेक्शन कैसी है ऑपोजिट है। लेट्स राइट द स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब तो हम सबको पता है ना, कंजर्वेशन मतलब बचाना, मोमेंटम सेम होता है आफ्टर एंड बिफोर, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ सपोज टू ऑब्जेक्ट है यहां पे, टू बॉल्स ए एंड बी, सपोज ये है बॉल ए और ये है बॉल बी,
उसका मास है एम बी। ओके, अभी ये दोनों बॉल जा रहे हैं आराम से, तो बिफोर पोलाइज है, ये दोनों बॉल जा रहे हैं अपने अपने वेलोसिटी में, राइट। ये बॉल जा रहा है यू ए अपनी वो वाली वेलोसिटी में, ए वाली, और एम बी वो अपने वेलोसिटी में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट बी में क्या होता है, जब ए बॉल बी के साथ पोलाइज हो रहा है, टकरा रहा है, तो क्या होगा, इसका फोर्स उसके ऊपर लगेगा एफ ए बी, एंड ये वाले बॉल का फोर्स लगेगा एफ बी ए, राइट। एंड देन आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, एम ए बी ए एम बी बी आफ्टर कोलाइजन। ओके, मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा है, राइट, वो फाइनली आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन सेम रहता है, ठीक है। ओनली देखो यहाँ पे जो यू ए वेलोसिटी है, पी इज इक्वल टू एम ए एम ए, राइट, यहाँ पे ए की बजाय हम क्या लेंगे, एम यू एम बी। ओके, तो देखो यहाँ पे जितने बिफोर कोलाइजन जैसा मोमेंटम था, वैसा ही मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन भी रहता है। चलो लेट्स सी कैसे। तो यहाँ पे हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए, है ना, याद है कि नहीं। ओके, देन F ए बी इज इक्वल टू एम ए, मतलब पहले हम F जनरली ए का वैल्यू रख देते हैं, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, एम बी माइनस यू अपॉन टी, राइट, एम बी माइनस यू अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं आप। नाउ फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम वन बॉल टू ए बॉल टू बी, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ ए बी, राइट, तो उसके लिए एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी, टी विल बी द कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए टू B to A, so that will be MB BB minus UB upon T. Okay, देखो यहाँ पे first B है ना, तो सब जगह हम BB लगाएंगे, इतना याद रखो, right? वैसे तो force B, force of ball B to A है, इसलिए हम सब जगह B लगाते हैं, right? Now अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि जो फोर्स एक बॉल दूसरे बॉल पे लगाता है वो ऑब्वियसली इक्वल है, ओनली द डायरेक्शन विल बी द डिफर। ओके, डायरेक्शन विल बी द ऑपोजिट। सो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्सेस विल बी इक्वल ओनली डायरेक्शन इज ऑपोजिट, राइट। डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, सिर्फ फोर्सेस इक्वल है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, फोर्सेस इक्वल है, तो ये एफ ए बी जो बॉल ए से बी के ऊपर फोर्स लग रहा था, और एफ बी ए जो बी से ए के ऊपर, राइट, तो एफ ए बी इक्वल
इक्वल टू एफ बी ए, दोनों की फोर्सेस कैसी है, सेम अमाउंट में इक्वल टू लिख सकते हैं, ओनली द डायरेक्शन इज चेंज, तो वी विल पुट माइनस ओवर हियर, ओके। चलो नाउ इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एफ ए बी की वैल्यू क्या है, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी टी कैंसिल आउट, ओके। एम ए इसको अंदर ले लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेवेंथ स्टैंडर्ड याद करो, एम ए बी ए प्लस माइनस माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस, ये माइनस वाला पूरा अंदर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, एम बी 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 एंड माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी, इज इट क्लियर टू यू। क्या लिखेंगे आप लोग उसका स्टेटमेंट देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन provided there is no external unbalanced force acting on them. Okay.
So the sum of momenta of two objects before collision is equal to the unbalanced force acting on it. Okay, so yahan pe